अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सीए कोर्स से रिलेटेड सारे एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आईसीए के नवंबर 2018 एग्जाम्स कंप्लीट हुए, रफली 10 दिन के आसपास हो चुके हैं और आपका जितना भी एग्जाम प्रेशर बिल्डअप हो रखा था वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया होगा। तो मुझे लगता है सही टाइम है इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने का। किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं? एग्जाम्स के जस्ट बाद ना काफ़ी स्टूडेंट्स का स्टडी आउटपुट बहुत रैडिकली गिर जाता है, काफ़ी तो बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देते हैं जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उन चीज़ों से एसोसिएटेड दिक्कतें क्या क्या हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और उससे आप बच कैसे सकते हैं। ये जो दिक्कतें हैं वो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने पर मजबूर कर सकती हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपने भी अपना स्टडी आउटपुट रैडिकली गिरा रखा है तो देखिए मैं आपको दिक्कत बताता हूँ क्या आती है। सबसे पहले देखते हैं आपके जो एग्ज़ाम्स से 2 महीने पहले का पीरियड होता है, यानी कि प्रायर टू 2 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम्स, उसमें आप कितना स्टडी आउटपुट रफली निकाल रहे होते हैं। रफली आप उस टाइम पे निकाल रहे होते हैं 10 से 12 घंटे। अब आते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स, यानी कि एग्ज़ाम्स से एक हफ्ते पहले पकड़ लीजिए और एग्ज़ाम्स के जो 2 वीक्स होते हैं उसमें आप कितना आउटपुट निकाल रहे होते हैं, 12 से 16 घंटे का आउटपुट निकाल रहे होते हैं। अब बात करते हैं मेन दिक्कत वाले टाइम की, एग्ज़ाम्स के बाद और रिजल्ट से पहले का जो टाइम होता है उसमें बच्चे कितना स्टडी आउटपुट निकालते हैं। मोस्टली बच्चे 0 आवर्स का स्टडी आउटपुट निकाल रहे होते हैं इस पीरियड में, क्योंकि उनके माइंड में क्या होता है कि यार बहुत मेहनत करी है हमने, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ब्रेक लेते हैं, अगर गॉड फॉरबिड फेल हो गए तो दोबारे पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके लिए एनर्जी भी तो बिल्डअप करनी है। काफ़ी हद तक ये चीज़ वैलिड है कि आपको टाइम मिलना चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन क्या 2 ही टाइप के टाइम होते हैं कि या तो 12 से 16 घंटे पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो? उनके बीच की भी तो कोई चीज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत आएगी इस चीज़ में। सबसे पहले देखिए, फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ ये चीज़। देखिए पहले एनालाइज करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आते हैं हमारे सीए कोर्स के अंदर। चाहे हम सीए इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, चाहे सीए फाइनल लेवल की बात करें, आप एक चीज़ तो जानते हैं सारे के सारे कि कितने बच्चे पास होते हैं, सिर्फ 20% के आसपास बच्चे पास होते हैं। ये भी मैं हायर साइड पे लेके बोल रहा हूँ परसेंटेज। और 80% जो बच्चे होते हैं वो फेल होते हैं। क्या ये सारी 80% जो बच्चे फेल हो रहे हैं ये वही बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं करी थी और ये तो फेल होने ही थे? नहीं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मेहनत करी थी लेकिन ड्यू टू एनी एक्स वाई जी रीज़न वो पास नहीं हो पाए। कैसे रीजंस? बाई चांस जो वो 5-10% कोर्स छोड़ के गए थे कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, कम है चांसेस आने के, समझ कम आ रही है, वही चीज़ पेपर में आ गई। पेपर इस टाइम बाई चांस बहुत डिफ़िकल्ट सेट हुए, पेपर इस टाइम सेट ईजी हुए लेकिन चेक बहुत डिफ़िकल्ट हुए, उस बच्चे की कॉपी बाई चांस गलत तरीके से चेक हो गई, कोई भी रीज़न हो सकता है। किसी को ब्लेम करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे आईसीओ को चाहे स्टूडेंट को, लेकिन नेट नेट बात क्या है, 80% बच्चे फेल होते हैं। दिस इज़ दी हार्श रियलिटी विच वी हैव टू रियलाइज दिस वे और दी अनदर। अब बात करते हैं कि दिक्कत कहाँ आने वाली है। अगर स्टूडेंट ने ये जो 1 to 1.5 months का हमें जो टाइम मिलता है आफ्टर द एग्ज़ाम्स एंड बिफोर द रिज़ल्ट, इसमें बच्चे ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, तो मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या आएगी। क्या आप उस 80% कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं जो बच्चे फेल हो रहे हैं? मेरे हिसाब से हर सीए स्टूडेंट, चाहे वो रैंक होल्डर ही क्यों ना बन जाए रिजल्ट आने के डे पे, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है दैट टिल द टाइम रिजल्ट्स कम नोबडी नोज़ फॉर सर्टेन कि वो पास होएगा ही होएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इस चीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए कि हम भी उस 80% में फॉल कर सकते हैं, और अगर कर गए तो फिर हमारा बैकअप प्लान क्या है, तो फिर हम क्या उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, कि ऐसा ना होना कि अगर हम उस केस में फॉल करके तो भाई साहब बिल्कुल ही डिजास्ट्रस सिचुएशन हो गई, कोई संभलने का चांस ही नहीं है। ऐसे नहीं होने चाहिए, थोड़े प्रिपेयर्ड होने चाहिए फॉर फेलियर ऑल्सो। मैं आपको दिक्कतें बताता हूँ उस चीज़ से जो एसोसिएटेड है कि आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी इस 1-1.5 महीने में 0 आवर्स की स्टडी आउटपुट निकाला है। देखिए सबसे पहली दिक्कत, अगर 80% वाली कैटेगरी में फॉल कर गए आप बाई चांस, गॉड फॉरबिड क्लियर नहीं हो पाया, फेल हो गए, सबसे पहली दिक्कत क्या आएगी आपको? पहले तो आपने अपनी बॉडी को इस चीज़ के लिए कस्टम करा था कि सुबह या रात को पूरा जागना है पढ़ने के लिए, 12 से 16 घंटे पढ़ना है, आपकी बॉडी को इस रूटीन को अडॉप्ट करने में टाइम लगा होगा, आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए कस्टम हो गई थी। आपने जैसे ही एग्ज़ाम्स आपके कंप्लीट हुए आपने स्केड्यूल बिल्कुल ही टेढ़ा कर दिया, बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा कर दिया। कैसे? सोने का कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, पूरे दिन आप पढ़ाई बिल्कुल छोड़ रहे हैं। पहले हफ्ते तो इनफैक्ट जब आप ये छोड़ेंगे पढ़ना, आपको ये भी होगा कि वो पढ़ना छोड़ना भी अजीब लग रहा होगा और ऐसा हो रहा होगा कि यार मैं कब कुछ ना कुछ पढ़ाई स्टार्ट करूँ या कुछ ना कुछ काम करूँ, क्योंकि बॉडी क्लॉक जैसे ही चेंज होती है, चाहे अच्छे से बुरी या बुरे से अच्छी, बॉडी को दिक्कत आती है नए स्केड्यूल से एडजस्ट करने में। तो आपने ये 12 घंटे 16 घंटे की पढ़ाई छोड़ के अपनी बॉडी को जैसे ही इन 1-1.5 महीने में इस चीज़ के लिए यूज़ टू बनाया होगा कि कोई पढ़ाई नहीं करनी पूरे दिन में और इस टाइम पर जागना सोना है, अगर फेलियर में रिजल्ट हो गया, आपका रिजल्ट फेल आया,
तो फिर दिक्कत क्या आएगी, आपको अपनी बॉडी को दोबारा इस चीज़ के लिए कस्टम करना पड़ेगा कि 12 से 16 घंटे दोबारा पढ़ना शुरू कर, और वो चीज़ एक दिन के अंदर ओवरनाइट नहीं होती। तो पहले तो आप इस चीज़ में टाइम वेस्ट करेंगे इन हैविंग टू चेंज द बॉडी क्लॉक, यानी कि आपको अपनी बॉडी क्लॉक जो चेंज करनी पड़ेगी उसमें आपका सबसे पहले टाइम वेस्ट होगा अगर फेल हो गए तो। दूसरी चीज़, अगर फेल हो गए तो एक महीना तो आपका इसी चीज़ में वेस्ट हो जाएगा कि आप उस पोजीशन पे आ पाएँ जिस पोजीशन पे आप नवंबर 18 वाली अटेम्प्ट में थे, यानी कि पिछली अटेम्प्ट में जिसमें फ़ेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक डेढ़ महीने में जब आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करी उस टाइम पे आपके माइंड से सारी चीज़ें फेड हो गई होंगी कुछ कुछ हद तक सारे सब्जेक्ट्स की। तो दोबारा आप उस पोजीशन पे आ पाएँ जिस पे आप पहले थे, यानी कि उस लेवल की प्रिपरेशन हो जो पिछली अटेम्प्ट में थी, वो करने के लिए भी आपको टाइम पुट इन करना पड़ेगा मिनिमम एक महीने का, ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स में उतनी प्रिपरेशन कर पाएँ। और ये एक महीना आपका सीधा सीधा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप उस लेवल की प्रिपरेशन लेके थोड़ी जाना चाहेंगे अगली अटेम्प्ट में, उससे कुछ ना कुछ बेटर करके जाना चाहेंगे। तो एक महीना आपका यहाँ वेस्ट हो गया। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या आने वाली है, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए, जैसे ही किसी स्टूडेंट को दिखता है कि उसका रिजल्ट फेल हो गया, मान लीजिए स्टूडेंट ने बोथ ग्रुप्स दिए थे, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट अटेम्प्ट होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप्स ही देते हैं, स्टूडेंट ने बोथ ग्रुप्स दिए और उसको दिख गया कि वो फेल हो गया और उसने एक डेढ़ महीने में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी थी, सबसे बड़ी दिक्कत। फेलियर का मतलब क्या होता है, जनरली 6-6 मंथ्स में अटेम्प्ट्स होती हैं, तो एक फेलियर शुड आइडियली बी रिजल्टिंग इनटू अ सेटबैक ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन जिस बच्चे ने इस एक डेढ़ महीने में पढ़ाई नहीं करी उसको 6 मंथ्स का सेटबैक नहीं होगा, उसको 1 साल का सेटबैक होगा सीधा। कैसे? आपके पास टाइम कितना बचा रिजल्ट्स के बाद? 4 से 4.5 महीने बचते हैं, और ये जो 4 से 4.5 महीने बचते हैं इसमें मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया, एक महीना तो आपको पुराने लेवल पे आने में ही लग जाएगा, बचे 3 से 3.5 महीने। अब इस 3 से 3.5 महीने में आपको आपकी सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बढ़ानी है, यानी कि 7 अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या फिर 8 सब्जेक्ट्स अगर फाइनल लेवल पे हैं, इतने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन 3 महीने में बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता। बच्चा क्या करता है हार के, वो कहता है मैं एक ही ग्रुप दे देता हूँ, ऐसे ही उसका वैसे ही मोरल गिर जाता है जैसे ही वो फेलियर देखता है, बोध ग्रुप देने की जान बचती नहीं है, 3-3.5 महीने में पॉसिबल भी नहीं होता प्रैक्टिकली, तो वो किस पे आ जाता है कि मैं एक ग्रुप एक एक करके दूंगा। अब जैसे ही आप बोध ग्रुप से एक एक ग्रुप पे आ गए तो आपने ऑलरेडी अपने आप को 2 मंथ्स 2 अटेम्प्ट्स में स्प्रेड आउट कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट नवंबर 18 में बोध ग्रुप्स फेल हुआ, तो अगर उसने एक एक ग्रुप देना शुरू कर दिया तो मई 19 और नवंबर 19 अटेम्प्ट्स तो मिनिमम लगेंगी, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स अलग अलग से निकाल लेता है तो, नहीं तो और भी टाइम लगेगा। अगर यहीं पे उस स्टूडेंट ने इस 1-1.5 महीने में पढ़ाई कर ली होती और एटलीस्ट अपना एक ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता तो दूसरा ग्रुप प्रिपेयर करना मुश्किल नहीं होता रिजल्ट्स आने के बाद, और वो मई 2019 के अंदर बोथ ग्रुप्स दे पाता, यानी कि फेलियर वुड हैव रिजल्टेड इनटू अ सेटबैक ऑफ 6 मंथ्स एंड नॉट 1 ईयर। ये तीसरी मेरे सबसे बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो है। सबसे चौथी जो एक और दिक्कत है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, ये है आपका सेकंड ग्रुप, ये है मई अटेम्प्ट, ये है नवंबर अटेम्प्ट, कोई भी रैंडम अटेम्प्ट्स पकड़ के चल रहा हूँ मैं। आपने नोटिस करी होगी कि हर अटेम्प्ट के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता कि पूरे के पूरे जो दोनों ग्रुप्स हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स सभी बहुत डिफिकल्ट आएँ या फिर सभी बहुत ईजी आएँ, इट इज़ ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। अब बच्चे ने एक एक ग्रुप देने की सोची कि एक बार मैं एक ही ग्रुप दूंगा, दिक्कत क्या हुई, उसने सोचा फर्स्ट ग्रुप दूंगा मैं इस मई अटेम्प्ट के अंदर, हुआ क्या, फर्स्ट ग्रुप आ गया डिफिकल्ट, सेकंड ग्रुप आ गया इजी, फंस गया बच्चा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसने सोचा था मैं सेकंड ग्रुप दूंगा, सेकंड ग्रुप आ गया डिफिकल्ट, फर्स्ट ग्रुप आ गया इजी। अब ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ आप रियलाइज़ करते हैं और यहाँ पे आप गैम्बल करने लग जाएंगे अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि आप तो ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, अच्छे से अच्छा टीचर नहीं कर सकता इस चीज़ को प्रिडिक्ट, यहाँ पे आप गैम्बलिंग करने लग जाएंगे आप। और अगर आप डिफिकल्ट वाले ग्रुप को ही देने लग जाएं तो फिर क्लियर करना और मुश्किल हो जाएगा। यहीं पे अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए होते तो बोथ ग्रुप्स में क्या होता, आपको डिफिकल्ट ग्रुप में क्लियर करना मुश्किल हो जाता, लेकिन एक ग्रुप तो ईजी भी होता ना, कुछ सब्जेक्ट्स तो ईजी भी होते ना, एग्जेम्पशन लाना या ग्रुप क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाता कंपैरेटिवली, तो बोथ ग्रुप्स में आपका गैम्बल कम हो जाता है, गैम्बल वाला जो क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं एडवोकेट करता हूँ कि कोशिश करिए बोथ ग्रुप्स देने की। मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा हूँ कि फेलियर होना जो है उसके लिए आपको अपने आप को ब्लेम करना चाहिए या फिर कुछ आपको आपके माइंड में कुछ गलत चीज़ें आने लग जाएं। आप एक चीज़ समझिए, फेलियर बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है जिनमें आधे से ज़्यादा रीजंस आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, सिर्फ मेहनत करना। तो एटलीस्ट इस 1-1.5 महीने में मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, कहीं से भी सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा, मैं आपको इस 1-1.5 महीने में कहीं से भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जो एग्ज़ाम्स के टाइम पे 12 से 16 घंटे की पढ़ाई कर रहे थे वही पढ़ाई करिए, उसी लेवल की कंटिन्यू रखिए, मत करिए, थोड़ा रिलैक्स करना आपका बनता है। इस पास्ट वीक में मैंने वीडियो बनाई भी इसीलिए नहीं
कि यार एटलीस्ट 8-10 दिन तो बच्चे बिल्कुल रिलैक्स कर लें, कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे मेरी एडवाइस मानना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, वो 12 से 16 घंटे मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 घंटे, 6 से 8 घंटे तो पढ़ सकते हैं। 6 से 8 घंटे पढ़ना क्या बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए? नहीं होगा, क्योंकि अभी आप 12 से 16 घंटे पढ़ के हटे हैं। 6 से 8 घंटे पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपको दिन में फिर भी 10 से 12 घंटे मस्ती करने के लिए मिलेंगे। टीवी देखना, शोज़ देखना, मूवीज़ देखना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, आप सब कर सकते हैं 10 से 12 घंटे में, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होते। सिर्फ 6 से 8 घंटे डेली पढ़िए, और 6 से 8 घंटे इस 1-1.5 महीने में आपका टारगेट क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स पकड़ लीजिए जो आपको लगे कि आपकी इन सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशन कम थी नवंबर 18 अटेम्प्ट के अंदर, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए मई 19 अटेम्प्ट से पहले पहले, यानी कि उसके नवंबर 18 जो अटेम्प्ट है उसका रिजल्ट आने से पहले। मेरे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, इनके मेरे को नोट्स अपडेट करने हैं, और इस तरीके से नोट्स अपडेट करने हैं कि अगर रिजल्ट में फेलियर लिखा आ गया तो मेरे को इन 3 सब्जेक्ट्स की तो टेंशन नहीं होनी चाहिए प्रिपरेशन की। मुझे ऐसा होना चाहिए कि 2-3 दिन इन 3 सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट करने हैं मेरे को, मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल A1 लेवल की होगी। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स, अगर गॉड फॉरबिड फेलियर में रिजल्ट हो गया तो आपके कितने सब्जेक्ट्स बचेंगे? 4 अगर इंटरमीडिएट लेवल के हैं, और 5 अगर फाइनल लेवल के हैं। ये 4 से 5 सब्जेक्ट्स आप फिर भी कर पाएंगे इन दोज 3-4 मंथ्स। कोशिश करके 3 से भी ज़्यादा कर पाएं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन मिनिमम 3 का टारगेट रखिए कि 3 सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल अपनी A1 लेवल की प्रिपरेशन रखनी है। अगर आपने ये कर लिया तो आप सबसे पहले तो 1 साल की जगह 6 महीने का ही जो सेटबैक है वो झेलेंगे, और उसके साथ साथ ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बोथ ग्रुप्स देने का। तो मेरे हिसाब से आप ये टिप्स फॉलो करिए, हो सकता है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेरी बात मान के अच्छा ही होगा आपके लिए कुछ ना कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।